Hello guys, this is engineer Vikas Ahmed and today I will talk about civil engineering. What are the prospects? What are the benefits? What you need to focus on while doing civil engineering? And before going into the detail of today's video, I will share with you one famous quote that the road to success is always under construction. So let's talk on civil engineering, different horizons, that what you need to focus on, what are the career prospects, what are the disciplines you can join after doing civil engineering. While doing this 4 years professional degree, a civil engineer study about engineering design, soil mechanics, engineering modeling, engineering design and problem solving, geotechnics, engineering mechanics, statics and dynamics, environmental issues and sustainability in engineering, hydrology, structural analysis, structural design, transportation system and engineering, introduction to project management and Primavera 6, design and AutoCAD, irrigation, road and highway. चार साल की डिग्री करने के बाद जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो अपनी जॉब को कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर भी अपने कैरियर को फाइंड आउट कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन के अंदर जब आप अपने कैरियर को स्टार्ट करते हो, यू हैव टू वर्क इन प्रोजेक्ट सेक्टर. आइदर यू आर वर्किंग फॉर बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, रोड्स, हाईवे, डैम, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के जिम्मे में आते हैं. कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर बीइंग अ सिविल इंजीनियर अपने कैरियर को परसू करना है. सो व्हाट आर द स्किल्स यू नीड टू डेवलप इन योर प्रोफाइल, बिकॉज आप तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ के आए होते हो, तो यहाँ पे किन एरियाज के अंदर आपने फोकस करना है. सो द फर्स्ट थिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसके साथ साथ आपकी एस्टीमेशन. ये जो ग्रिप आपके नॉलेज एरियाज है, चाहे इसमें प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है या प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है, इसके अंदर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. और इसके साथ साथ जब आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर होते हो, क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ डिलीवर करना होता है, सो यू हैव ऑल्सो टू डिवेल्प लाइक टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन. ये आपके पास जेनेरिक स्किल्स जो है ये भी आपको बड़े अच्छे तरीके से डिवेल्प करने होंगे. सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको मैं स्पेसिफिकली आपके सामने रखूंगा, जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, कैनाल्स, आपका वाटर सिस्टम्स, आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. इन सारे सेक्टर्स के अंदर आपके सिविल इंजीनियर का बड़ा एक की रोल होता है. अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि सिविल इंजीनियर का ज्यादातर इम्पैक्ट होता है आपकी एक सोशल लाइफ के ऊपर, आप किस तरह से, आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपके सिटी के किस तरह के रोड हैं, आपके सिटी की किस तरह से प्लानिंग की गई है, वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी कंडीशंस किस तरह की हैं, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह का है, वहां पे इन्वायरमेंटल सेक्टर के अंदर कितनी डेवलपमेंट है, वहां पे जो फैक्ट्रीज लगी हैं उनका जो पोल्यूटेंट्स है उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है. तो सिविल इंजीनियर आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली आर अफेक्टिंग आर इम्पैक्टिंग ऑन आवर लाइफ. जब आप एक सिविल इंजीनियर के तौर पे इनमें से किसी एक सेक्टर के अंदर अपनी जॉब स्टार्ट करते हो, तो आप एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ, एक बहुत बड़ी टीम के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हो टू अचीव योर सर्टन गोल्स, टू अचीव योर सर्टन एम्स. सो आई विल सुजेस्ट हियर, सिविल इंजीनियर के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, टीम वर्क एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि जब भी आप किसी एक ग्रुप की शक्ल में कहीं पे काम कर रहे हैं, सो दिस इज वेरी मस्ट थिंग टू अचीव योर गोल्स, दैट यू मस्ट कैरी टीम वर्क अबिलिटी विद यू. अगर आपकी टीम के अंदर भी ये अबिलिटी होगी, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज. ये तो आपके जेनेरिक स्किल्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाते हैं, आपका एप्टीट्यूड आ जाता है, ये जेनेरिक स्किल्स हैं. लेकिन यहां पे मैं ये हाईलाइट करूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप इन सारे सेक्टर्स के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं,
अब आज के दौर की अगर बात की जाए तो अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हो एंड यू आर गोइंग टू सर्च सम जॉब, देन व्हाट यू नीड टू डेवलप इन योर प्रोफाइल। प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरी इस बिल्डिंग के अंदर रीइंफोर्समेंट स्टील के अंदर एस्ट्रो का कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है, और फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है हाइड्रोलॉजी कैनाल की कैसे आपने उसको स्टडी करना है, आपने फिजिबिलिटी कैसे बनानी है। ये सारे प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज होते हैं जो कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले होते हैं, और फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद हमें उन चीजों के बारे में, जब हम साइट के ऊपर जाके इन चीजों को खुद एक्सपीरियंस करते हैं, सो वी लर्न अलॉट एंड डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन मेक अस एक्सपीरियंस। लेकिन किस चीज को हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है, अब एक दो साल किसी भी फील्ड के अंदर काम करने के बाद कंपनी की तरफ से हमें असाइनमेंट दी जाती है कि ये प्रोजेक्ट आपने डिलीवर करना है। अब उस प्रोजेक्ट को जब आप डिलीवर करते हो, आप उसके डिलीवर करने की तरफ जाते हो, यू आर सपोज टू बी अ मैनेजर और लीडर। तो अब आपने वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स अप्लाई करने होते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ वो कोड्स का पता है, स्टैंडर्ड्स का पता है, मेथोडोलॉजी का पता है, आपको सिर्फ ये पता है कि क्यू ए क्यू सी की रिपोर्ट कैसे इशू की जाएगी, इसका अप्रूवल कैसे होगा, बट यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर एलोकेटेड टाइम, हाउ टू मैनेज योर रिसोर्सेज, हाउ टू मैनेज योर कॉस्ट, how to accommodate your change requests, how to control your scope creep, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल डिलीवरी के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो इसलिए बींग इंजीनियर, बींग सिविल इंजीनियर, यू मस्ट नो अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ताकि कल अगर आप एक पोजीशन के ऊपर जाके एक टीम को लीड करना चाहते हो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स का पता होना चाहिए, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को विजुलाइज करवाने के लिए, एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए प्राइमेवेरा P6 इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, यू मस्ट लर्न इट। ये बहुत सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का हिस्सा भी होता है, लेकिन पहले बता चुका हूं सिर्फ इसकी दो तीन स्लाइड्स बता दी जाती है, इसका डैशबोर्ड इस तरह से होता है, लेकिन ये बहुत ही है आसान है सीखना। अगर आप भी प्राइमेवेरा P6 या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सीखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो की पोस्ट में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे आने वाले फ्री डेमो लेक्चर का हिस्सा बने और इससे भी ज्यादा डिटेल के अंदर जाने, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे अप्लाई की जाती है रियल इंडस्ट्री बेस्ड, और प्राइमेवेरा P6 को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मुताबिक किस तरह से यूज किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।